करेंगे फैन नंबर 30 डिग्री इसे बंद करना है इधर भी इसे करना है साइंस इतना टेबल तो लोगों को याद होगा नहीं याद है तो जल्दी भी याद कर 0 डिग्री 20 डिग्री इतना नहीं आधे डिग्री 60 डिग्री और साइंस जो कुछ ना होगा जीरो ठीक है किसे याद रखते याद है तुम लोग अगर तेरे को जीरो 1 2 3 4 ऐसे भी करते हैं इसका 4 से डिवाइड कर दो सबको इसे डिवाइड कर दो 4 से पहले बार 0 1 2 3 को भी लिए 4 से क्या करके डिवाइड करके इसका सब निकाल लगा दो जो जुड़ लगा दो जो जीरो आएगा वही इसका आंसर हो गया तो 0 बटे 2 और हमेशा क्या आएगा 0 जीरो बटे कुछ भी हमेशा क्या होता है 1 का रूट कितना होता है 1 का रूट 1 ही रहेगा 4 का रूट कितना होगा जीरो कट जाएगा ना जो ऊपर 1 बचा 1 का रूट फिर से कितना होगा 2 का रूट बोलो 3 का रूट 3 और 4 का तो कट गया 1 आ गया 1 का रूट ये बिल्कुल याद होना चाहिए तुम लोग याद हो पहले ट्रिग्नोमेट्री बता दी मां याद नहीं ठीक है उसका कॉस थीटा में क्या करना जस्ट उल्टा उधर से लिखते हैं ना ये 1 हो गया ठीक 3/2 फिर 1/5 दोनों में सेम होता है 45 और कॉस कॉस और साइन दोनों में सेम भी होता है 45 का ना तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 तो यहां क्या हो जाएगा 0 चलो और टेन थीटा में क्या होगा टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो 0/1 0/2 कुछ भी क्या आएगा ठीक 1/2 √3/2 टू टू कट जाएगा नीचे होगा क्या बचेगा 1/√3 उस तरह ये दोनों सेम है दोनों कट जाएगा पूरा क्या बचेगा तो इसमें टू टू कट जाएगा तो √3/1 √3 लिख सकते हैं और 1/0 मतलब नॉट डिफाइन होता है एफिनिटी इसको बोलते हैं बोलो 1090 है नॉट डिफाइन होता ठीक है इतना याद हो जाएगा तो फिर कोसेक वाला कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है कि नहीं इसका जस्ट उल्टा कि 0/1 हम लोग बोल सकते हैं ना इसमें हो जाएगा 1/0 कैसे नॉट डिफाइन बोलो 1/0 क्या होता है अभी कितना जी ये 1/2 है तो यहां कितना हो जाएगा 2/1 2/1 इज 2 और नीचे लिखने की जरूरत नहीं 1/√2 है मतलब √2/1 ये 2/√3 और यहां 1/1 है तो बन ही रहा है बोलो sec थीटा में क्या हम दे देंगे मतलब उल्टा लिखते चलो ना 2/√3 है ना यहां पे √2 यहां पे 2 और यहां पे नॉट इवन और cos थीटा में cos थीटा में tan थीटा में इधर से लिखो है ना tan थीटा में इधर से ना इंफिनिटी के √3 के 1 से 1/√3 के 0 ठीक है याद होना चाहिए फटाफट साइन 13 प्लस कॉस 13 टोटल कितना आएगा ना ये
वन प्लस टेन थर्टी करोगे वन बाय रूट थ्री, वन माइनस वन बाय एलसीएम लेंगे रूट थ्री एलसीएम आ गया यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, ये अभी कट गया बोलो कितना आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री माइनस वन। इसको रैशनलाइज करो, इतना पे आंसर छोड़ोगे तो ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करोगे, रैशनलाइज करो पहले रूट पे है ना, क्या करते हैं रैशनलाइज करने के लिए माइनस को प्लस वाला से इनटू करेंगे रूट थ्री प्लस वन से इनटू और डिवाइड भी कर देंगे, अच्छा ना करते देखो कितना आ रहा है, कितने लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं गलत है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है कोई भी जोड़ना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए ये होल स्क्वायर में है सर ना, होल स्क्वायर जब भी रहेगा तो सिर्फ ऐसा नहीं अलग अलग का स्क्वायर कर दिया तो गलत है ना, हो जाएगा गलत है ये माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इक्वल माइनस बी जाएगा तो क्या लिखेंगे उसको, देखो यहाँ पे देखा ये ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर भी ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वर्क नहीं होगा दोगुना आ गया जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में ए माइनस बी इक्वल ए प्लस बी, यानी ये वाला बदला जाएगा ठीक है, क्या वाला बोला ऊपर लिख रहे हो ये a plus b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ऐसा होगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ab 2 into root 3 into 1 ऐसा होगा ठीक है, अब नीचे में क्या होगा a minus b into a plus b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर root 3 का स्क्वायर 3 ये 1 प्लस 2 root 3 by 3 minus 1, समझ में आ रहा है क्या, आपने चिल्ला रहा है ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये यार लोग यार लोग को देखा इस तरह फॉर्मेट में आता है ठीक है, एकदम ऑप्शन ऐसे ही आ रहा है, गलत तरीका सब वही पी बाय बी, पी बाय बी हो रहा है ना, इसमें क्या हो गया टेंथ तरह क्या होता था फॉर्मूला पी बाय बी बोलो पी बाय बी यानी 1 बाय 1 पी बी 1 है और बी बी 1, तो एच निकालो एच कितना आ जाएगा बताओ, तो क्या ट्रिपलेट वाला है क्या नहीं, 3 4 5 है क्या नहीं है, हां 5 12 13 भी नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, h निकालना है, h हमेशा बड़ा होता है तो h स्क्वायर वाला में क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 आ गया, h स्क्वायर है तो h वाला में क्या होगा ठीक है, बस अब यहां साइन थ्योरम निकालो, साइन थ्योरम क्या हो जाएगा p / h बोलो p / h मींस 1 / cos थीटा क्या हो जाएगा यहां पर b / h यानी फिर से 1 / दोनों को जोड़ दो तो ये 1 / √2 प्लस 1 / अच्छा ना जुड़ेगा √2 आ गया और नीचे में सेम 1 + 1 into / √2 2 / √2 मतलब कट जाएगा ना, ऊपर में क्या आ जाएगा समझ आया क्या, आ गया ना हां, अच्छा √2 से इनटू डिवाइड कर लो है ना, रैशनलाइज कर लिए रैशनलाइज नहीं कर लिए रूट टेन टू रूट टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ऊपर में हो गया तो रूट टू बोलो आफ्टर टू कट गया क्या आ गया है ठीक है, एक तरीका था, दूसरा तरीका क्या था बताओ, टेन थीटा इक्वल वन दे दिया है ना, दूसरा तरीका ये हाँ सेकंड मेथड, सेकंड मेथड को क्या है आसान मेथड जिसको बोलते हैं, टेन थीटा कितना हो गया टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है वन, तो कितना डिग्री में वाला होता है पता जल्दी से, हाँ यानी ये थीटा बोले यहाँ पे कितना हो गया है 45 फिर से पता चल गया, हाँ ये वैल्यू पता है तो हमेशा होगा ऐसे जरूरी नहीं है, जो वैल्यू याद किए हैं उसी में से यदि आ गया तो आसान हो गया, तो टेन थीटा 45 हो गया यानी जहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए यानी क्या चाहिए साइन 45 प्लस कॉस 45, तो थीटा का जगह कितना बैठेंगे कितना बैठेंगे 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 / √2 दोनों वैल्यू सेम होता है 45 में वही आ गया कि एलसीएम यानी 2 / √2 यानी √2 आ गया ठीक है, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं लेकिन हम लोग को
क्वेश्चन को पकड़ने आना चाहिए कि 10th नंबर दिया मतलब इसका भी तो पता है ना, ये आसान तरीका होता है, उतना निकालेंगे पी निकालेंगे प्रयास निकालेंगे है ना, दोनों साइड प्लस निकाल के जोड़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या है ये मेरे पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है
बताएंगे तो करना क्या।